मैं चंदन कुमार तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग बात करेंगे जीव विज्ञान में कोशिका विषय। आज हम लोग बात करेंगे कोशिका टॉपिक पर कि व्हाट इज द सेल, कोशिका क्या होती है। कोशिका के बारे में अगर बात की जाए तो कोशिका जीव विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्यों सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है? इसलिए सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि हम जीव विज्ञान में सजीवों का अध्ययन करते हैं और सभी प्रकार के सजीव कोशिकाओं द्वारा होते हैं। जीव विज्ञान में हम सजीवों का अध्ययन करते हैं और सभी प्रकार के सजीव कोशिका द्वारा होते हैं। कोशिका की खोज सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक, रॉबर्ट एक चश्मे के व्यापारी थे, ये चश्मा बनाते थे और इन्होंने दो उत्तल लेंसों को, दो कॉन्वेक्स लेंसों को एक सामान्य दूरी पर रखा तो उससे उन्हें कोई चीज 42 गुना बड़ी 42 टाइम लार्ज दिखने लगी। इसी पर उन्होंने कार के टुकड़ों का, कार की पतली पतली स्ट्रिप्स का अध्ययन किया जिसमें उन्हें ऐसी मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना दिखाई दी। लैटिन भाषा का एक शब्द सेलुला होता है जिसका मतलब होता है कोश या कमरे। अब क्योंकि ये कोश या कमरे जैसे ही दिख रहे थे इसलिए रॉबर्ट हुक ने इसका नाम सेल रखा या कोशिका रखा। कोशिका जीवन की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है। अब यह वर्ड क्या मतलब हुआ? संरचनात्मक इकाई का मतलब हुआ कोशिका में वो सारी संरचनाएं पाई जाती हैं जो किसी सजीव में होनी चाहिए और कोशिका के स्तर पर वो सभी क्रियाएं भी पाई जाती हैं जो किसी सजीव में होनी चाहिए। इसीलिए इसे जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। जो रॉबर्ट हुक ने कोशिका देखी थी वह एक मृत कोशिका थी क्योंकि छाल को पौधे से अलग करने के बाद कार्क का निर्माण किया जाता है। इसके बाद एक वैज्ञानिक मैल्पी ही हुए जिन्होंने पहली पौधों की जीवित कोशिका का अध्ययन किया और एक वैज्ञानिक एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक हुए जिन्होंने अपनी दांतों की खुरचन में सबसे पहले जीवाणुओं का अध्ययन किया। कोशिका का अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी कहा जाता है। अगर हम बात करें कोशिका के विषय में तो कोशिका के विषय में थोड़ी बहुत जानकारी मिलने के बाद सन 1839 में, एक्चुअली 38 और 39 में दो वैज्ञानिक हुए, एक हुए मैथिलिया स्लाइडन और एक हुए थियोडोर सॉन्ग। इन्होंने कोशिका के बारे में कुछ बातें बताई जिसे कोशिका सिद्धांत कहा गया, सेल थ्योरी कहा गया। इस सेल थ्योरी में बेसिकली तीन बिंदु थे। पहला, कोशिका जीवन की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है। दूसरा, प्रत्येक जीव का शरीर एक या एक से अधिक कोशिकाओं से बना होता है। और तीसरा, नई कोशिका का निर्माण केवल पुरानी कोशिका के विभाजन द्वारा ही संभव है। कौन से तीन बिंदु थे? पहला, कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। दूसरा, प्रत्येक जीव का शरीर एक या एक से अधिक कोशिकाओं द्वारा बना है। और तीसरा, नई कोशिका का निर्माण केवल पुरानी कोशिका के विभाजन द्वारा संभव होता है। ये जो तीसरा पॉइंट है ये एक्चुअली स्लाइडर या स्वान का नहीं बल्कि वैज्ञानिक विर्चोव का पॉइंट था जिसमें उन्होंने कहा था ओन सेलुला ई सेलुला। इसके बाद अगर हम बात करें कोशिका के आकृति और आकार की तो अगर हम आकृति की बात करें, शेप की बात करें तो कोशिकाएं विभिन्न आकृतियों की हो सकती हैं। या अगर हम ये कहें कि हम जितनी भी आकृतियां सोच सकते हैं उन सभी आकृतियों की कहीं ना कहीं कोशिकाएं जरूर पाई जाती होंगी। और अगर इसके आकार की बात करें तो इसका सामान्य आकार 5 माइक्रोन से 20 माइक्रोन के बीच होता है। परंतु अब तक खोजी गई जो सबसे छोटी कोशिका है उसका नाम है माइक्रोकाल्मा गैलिस एप्टिकम या PPLO जो 0.1 माइक्रोन व्यास की होती है।
इसी प्रकार अगर बड़ी कोशिका की बात की जाए तो शुतुरमुर्ग का अंडा ये सबसे बड़ी कोशिका है जो लगभग 17 सेंटीमीटर का होता है, और अगर लंबी कोशिका की बात की जाए तो जो हमारी तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं वो सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं जो लगभग 60 से 90 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है। इसके बाद हम अगर बात करें किसकी टाइप ऑफ सेल की, तो कोशिकाओं को बेसिकली दो टुकड़ों में बांटा गया है, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक यूकैरियोटिक कोशिका। ये जो प्रोकैरियोटिक शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक प्रो और एक कैरियन। प्रो माने होता है अविकसित और कैरियन माने होता है न्यूक्लियस, यानी ऐसी कोशिकाएं जिसमें अविकसित केंद्रक पाया जाता है। अविकसित केंद्रक इन सेंस केंद्रक के चारों ओर कोई आवरण नहीं पाया जाता। अगर कहीं से आपको ये पता लगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका बिना केंद्रक वाली कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका केंद्रक वाली कोशिका होती है तो ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि बिना केंद्रक के किसी कोशिका का अस्तित्व तो संभव नहीं है। अब क्योंकि बिना कोशिका बिना केंद्रक के किसी कोशिका का अस्तित्व तो संभव नहीं है, इसका मतलब केंद्रक इसमें भी होता है और केंद्रक यूकैरियोटिक कोशिका में भी होता है, परंतु इसका केंद्रक अविकसित होता है। बिल्कुल वैसे समझे जैसे जिस कमरे में हम आपकी क्लास ले रहे हैं, अगर केवल चार खंभे लगाकर और छत डाल दी जाए तो उसे कमरा नहीं बरामदा कहते हैं या अविकसित कमरा कहते हैं, लेकिन अगर दीवारें बन जाती हैं तो वो विकसित कमरा हो जाता है। इसी प्रकार इसके चारों ओर आवरण न होने की वजह से इसे अविकसित केंद्रक कहा जाता है। लेकिन एक बात बच्चों दिमाग में रखेंगे कि यहाँ जिस हिस्से में इसका आनुवांशिक पदार्थ प्रोकैरियोटिक कोशिका का पाया जाता है उस हिस्से में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है जो बाकी जीव द्रव्य में नहीं होता है, इसीलिए उसके उस विशेष क्षेत्र को केंद्रकाभ या न्यूक्लियोइड कहा जाता है जिसमें उसका आनुवांशिक पदार्थ स्वतंत्र रूप से होता है, किसी से जुड़ा नहीं होता, बस यहाँ पर थोड़ा सा हिस्टोन प्रोटीन रेगुलर रहता है जो इसकी अम्लीयता को समाप्त करने का काम करता है। ये इसके साथ साथ इसकी जो कोशा कला होती है वो अंदर की ओर घूमकर मीसोसोम नाम का स्ट्रक्चर बनाती है जो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह श्वसन में सहायता करता है, और इसमें 70S के राइबोसोम पाए जाते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण का काम करते हैं। दूसरी वाली कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका या विकसित प्रकार की कोशिका होती है। ये जो यूकैरियोटिक शब्द है ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है, एक यू और एक कैरियन। यू माने होता है विकसित और कैरियन मतलब होता है केंद्रक, यानी ऐसी कोशिका जिसमें विकसित केंद्रक पाया जाता है उसे यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। इसमें केंद्र के चारों में दोहरा आवरण होता है और इसका आनुवंशिक पदार्थ इसी के अंदर हिस्टोन प्रोटीन के साथ जुड़कर गुणसूत्र नामक संरचना का निर्माण करता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में इसका आनुवंशिक पदार्थ हिस्टोन नामक प्रोटीन के साथ जुड़कर गुणसूत्रों का निर्माण करता है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं है। इसके साथ साथ इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, हरित कवक, गाल्जी काय, लाइसोसोम आदि संरचनाएं पाई जाती हैं। अब अगर हम इन कोशिकाओं के बारे में बात करें, इन यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में बात करें, तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं के दो प्रकार होते हैं, एक पादप कोशिका और एक जंत कोशिका, एक प्लांट सेल और एक एनिमल सेल। प्लांट सेल वो होती है जो पौधों में पाई जाती है जिसके चारों ओर मजबूत कोशा भित्ति उपस्थित होती है। इसके साथ साथ हरित कवक पाया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण में भोजन बनाने के काम आता है, जबकि जो जंतुओं की कोशिका होती है उसके चारों ओर कोशा भित्ति नहीं पाई जाती और हरित कवक न होने के कारण वे परपोषी स्वभाव की होती है, दूसरे से पोषण प्राप्त करती है। अगर हम कोशिका के भाग की बात करें तो हम हमेशा कोशिकाओं को अध्ययन के लिए तीन भागों में बांटते हैं और हमेशा पौधों की कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं। तो तीन भाग कौन कौन से हैं? एक सेल वॉल, एक प्रोटोप्लाज्म और एक वैक्यूल। एक कोशा भित्ति जो मजबूत आवरण बनाती है, एक जीव द्रव्य जो इसके अंदर भरा होता है और एक रिक्तिका जो छोटी छोटी रिक्तिकाओं के आपस में जुड़ने से बनी होती है।
जो इसका जीव द्रव्य होता है उसमें से अगर हम तेल द्रव्य को अलग कर लें यानी जीव द्रव्य के भाग करें तो दो भाग बनते हैं, एक कोशा द्रव्य और एक केंद्रक। केंद्रक ही कोशिका का नियंत्रक होता है जो उसकी सभी क्रियाओं पर नियंत्रण रखने का काम करता है, और जो उसका कोशा द्रव्य है यानी ये वाला जो लिक्विड भरा हुआ है, ये कोशा द्रव्य जो होता है वो दो तरह की संरचनाओं को रखता है, कुछ उसके अंदर जीवित संरचनाएं पाई जाती हैं और कुछ निर्जीव पदार्थ उसमें घुले होते हैं जो संचित पदार्थ के रूप में, स्रावी पदार्थ के रूप में या उत्सर्जी पदार्थ के रूप में पाए जाते हैं। और इनके जो सजीव अंगक हैं, जो लिविंग पार्ट्स हैं, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, गाजीकार, अंतःप्रद्रव्य जालिका आदि अंगक आते हैं। ये है कोशिका का एक सामान्य परिचय, लेकिन इस परिचय के साथ ही बच्चों एक बात बहुत स्पष्ट बता दें कि जैसे कोई आपसे पूछे कि कोशिका क्या होती है तो आप कहोगे कोशिका अर्धपारगम्य झिल्ली से घिरा हुआ एक ऐसा जीव द्रव्य का टुकड़ा होता है जिसमें जीवन की सभी संरचनाएं और सभी क्रियाएं पाई जाती है, अर्थात यह जीवन की इकाई होती है। और अगर कोई पूछे कि कोशिका कहाँ मिलती है तो आप कहोगे ये हमारा पूरा शरीर बिल्कुल वैसे ही अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना है जैसे दुनिया का कोई भी मकान अलग अलग तरह की ईंटों से मिलकर बना होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि पूरा क्लास खत्म करने के बाद बच्चों से पूछा कोशिका कहाँ है, कोई कह रहा सर मेरे हाथ में है, कोई कह रहा नहीं सर मेरे पैर में है, कोई कह रहा नहीं सर मेरे यहाँ पर है। नहीं बेटा, कोशिका तो पूरे शरीर में है। कोई आपसे कहे कि ईंट कहाँ है मकान में तो आप क्या बताओगे, पूरा मकान ही ईंट से बना हुआ है। तो ऐसे कोशिका कहाँ है तो पूरा शरीर ही कोशिकाओं से बना हुआ है। इसके बाद की चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।